अब देखो यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, लिख लिया सबने ये वाला कि एफ यानी कि फोर्स है वन मॉलिक्यूल के लिए। हमने देखो यहां पे लिखा हुआ है वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है। अब इसमें हो सकता है पता नहीं कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो हम एन के लिए बात करेंगे अब, एन मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, इससे मैं रब कर रहा हूं, डन। ओके okay. तो यहां से देखो अब क्या होगा, अगर मैंने कहा कि एक मॉलिक्यूल के लिए फोर्स आ गया हमारे पास, एक मॉलिक्यूल का फोर्स है ये एम यू वन का स्क्वायर अपॉन 3 L। तो सपोज मैंने वन की जगह पे क्या कर दिया, अब एन मॉलिक्यूल कर दिया, तो एन मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा, देखो F1 + F2 + F3 + F4 से लेके Fn तक। अब वन मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा, मास तो हर एक मॉलिक्यूल का सेम रहेगा, वेलोसिटी चेंज हो सकती है वन के लिए, लेंथ तो वेसल का सेम ही रहेगा, लेंथ में कोई चेंज नहीं होने का। ऐसी टू के लिए करेंगे तो टू के लिए क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगी बस, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे देखो थ्री के लिए करेंगे हम तो थ्री के लिए भी होगा, ऐसे यहां से लेके एन तक कर सकते हैं हम लोग, तो हो जाएगा वी एन का स्क्वायर अपॉन 3। केवल कहां पे चेंज हुआ, वेलोसिटी पे बस, बाकी और कोई चेंज नहीं होगा, बाकी की सारी वैल्यू सेम रहेगी। अब इसमें कॉमन निकालो, इसमें कॉमन क्या आएगा, एम अपॉन 3 L, सब में कॉमन आ गया, और यहाँ पे क्या होगा, यू वन का स्क्वायर प्लस यू टू का स्क्वायर प्लस यू थ्री का स्क्वायर से लेके यू एन का स्क्वायर आ गया। ठीक है, नेट फोर्स ओवरऑल, क्योंकि एक मॉलिक्यूल नहीं है ना वेसल में, तो एन मॉलिक्यूल है, तो मैं देखूंगा एन मॉलिक्यूल कितना फोर्स लगा रहे, तो एन मॉलिक्यूल क्या होगा, इन सबका प्लस हो जाएगा। अब देखो एक चीज आपने ध्यान से देखी होगी, अगर मैं इसको एन से डिवाइड कर दूं और एन से मल्टीप्लाई कर दूं, तो एक ही बात होगा, एन से मैंने डिवाइड कर दिया, एन से मल्टीप्लाई कर दिया, बात एक ही है। अब ये वाला फॉर्मूला आपने कहीं देखा होगा, ये वाला फॉर्मूला देखो किसी वेलोसिटी से मैच कर रहा है, कौन सी वेलोसिटी है वो जिससे फॉर्मूला मैच कर रहा है, कोई बता सकता है? ये वाला फॉर्मूला यू वन स्क्वायर प्लस यू टू स्क्वायर, ये अंडर रूट में लिखा था मैंने नहीं हाँ रुजुल सही आंसर है, और अनुजा सही आंसर है, नहीं मिसिंग कर गई मनाली। देखो ये अंडर रूट में लिखा हुआ था मैंने, अंडर रूट में स्क्वायर 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 अंडर रूट वाला। हाँ आदित्य मयेकर, हाँ मनाली सही आंसर है, हाँ आदित्य बिल्कुल सही आंसर है, सार्थ सही आंसर है। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट मीन, तभी मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे वो वेलोसिटी यूज होगी, तो एम अपॉन 3 L, और इसकी जगह पे लिख सकता हूँ मैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर, ये स्क्वायर आ जाएगा यहाँ। सूर्यवंशी बिल्कुल सही आंसर है, इंटू एन। तो ये मेरे को क्या मिल गया, फोर्स, तो फोर्स इज इक्वल टू मिल गया मुझे एम अपॉन 3 L इंटू वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तभी तो ये अंडर रूट हटेगा, ये अंडर रूट हट गया मतलब मैंने इसका स्क्वायर किया हुआ, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट या स्क्वायर रूट हट जाएगा यहाँ से, तो इसका स्क्वायर होगा इंटू एन। इसे लिख लो, बस एक स्टेप और रह गया, बस प्रेशर निकालेंगे खत्म हो गया, बस थोड़ा सा लेंथी जरूर है, डेरिवेशन में ऐसे होता है कि बहुत बड़े बड़े चले जाते हैं। हाँ सार्थ, आप देखो ये लिख लिया सबने, रिटर्न रिटर्न और नॉट लास्ट स्टेप अगेन। अच्छा जो ये लास्ट स्टेप है कैसे आया, देखो ये वाला आपने अभी मैं आपको फॉर्मूला बताया था, देखो
ये था रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा था, अंडर रूट ये लिखा था u1 का स्क्वायर, u2 का स्क्वायर, u3 का स्क्वायर और ये un का स्क्वायर अपॉन n किया था। अगर मैंने कहा दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर दूंगा तो दोनों तरफ स्क्वायर करने से क्या होगा, इसका तो ये स्क्वायर बन जाएगा और यहां से अंडर रूट हट जाएगा। तो ये देखो ऐसे ही हुआ, देखो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर किया मैंने, तो यहां से मैंने क्या किया इसको हटाना पड़ा मुझे, ये हट जाएगा। तो ये वाली वैल्यू देखो और ये वाली वैल्यू सेम है, u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर प्लस u3 का स्क्वायर से un तक का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन n। तभी मैंने क्या किया n से डिवाइड भी कर दिया और n से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ने का, ठीक है। कोई भी नंबर लिया मैंने, चलो करा 50, और 50 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 10 से डिवाइड भी कर दिया, तो आंसर में तो कोई चेंज होने का नहीं क्योंकि आंसर तो 50 आएगा। तो मैंने क्या किया एन से डिवाइड भी कर दिया और एन से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो इससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने का। अब ये वाली वैल्यू को कहां क्या मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, इससे। तो मैंने लिखा यू आर एम एस का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो एम अपॉन 3 L तो सेम है, इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया यू स्क्वायर आर एम एस इंटू एन, क्योंकि ये इंटू एन हो गया। समझ में आ गया ये, गॉट इट, ओके। अब लास्ट स्टेप बचा हुआ बस, अब देखो क्लियर है, रिटर्न ये लिख लिया बस, अब हम आ गया प्रेशर में, बस लास्ट एक स्टेप बचा हुआ है प्रेशर का, तो उसको मैं ऊपर भी लिख दूंगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने की। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, अभी मैंने बताया था आपको, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू, तभी मैंने फोर्स निकाला था, नेट फोर्स अपॉन एरिया। आप कोई बता सकता है कि क्यूब का एरिया कितना आएगा, एरिया ऑफ क्यूब कितना होगा, ये तो मैं एज इट इज लिख दूंगा यहां से, एरिया ऑफ क्यूब कितना होगा, क्यूब का एरिया, अरे साइड एल है, साइड की लेंथ एल है, नो मिस कर गई, नहीं मिस कर गए, हाँ रुजुल का सही आंसर है, नहीं देखो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ बस, और यहाँ पे लेंथ और लेंथ दोनों सेम होंगे तो एल इनटू एल यानी एल स्क्वायर आ जाएगा, तो एरिया इज इक्वल टू होता है एल स्क्वायर, ये ध्यान रखना है, तो एरिया मीन्स एल स्क्वायर। अब ये वैल्यू यहाँ रख दो बस, ये वैल्यू को ऊपर रख दो और एरिया की जगह पे क्या लिख दो एल स्क्वायर, बस सॉल्व हो जाएगा फाइनली, और अब कुछ रहा नहीं इसमें। देखो क्या होगा, ये हो गया आपका m अपॉन 3 L, m इंटू एन हो जाएगा और ये हो जाएगा u, ठीक है, और इंटू एल स्क्वायर। अब देखो एल स्क्वायर, एल क्यूब मीन्स क्या होता है एल स्क्वायर इंटू एल, और एल क्यूब को हम क्या भी कह सकते हैं, वॉल्यूम भी कह सकते हैं, एल क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे देखो एल स्क्वायर इंटू एल मीन्स एल क्यूब, और एल क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया वॉल्यूम, तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम भी लिख सकता हूँ, तो फाइनली क्या हुआ यहाँ पे आ जाएगा P इज इक्वल टू 1/3 एम एन यू स्क्वायर अपॉन वी। अब V को यहां से यहां ले जाओ तो ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया, पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन वी स्क्वायर, सॉरी यू स्क्वायर आर एम एस, तो यही डिराइव करना था मुझे, ये डिराइव हो गया फॉर्मूला, ठीक है डन। एल क्यूब मीन्स क्या, वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्यूब में तीनों चीजें सेम होती है, तो एल इंटू एल इंटू एल, हाँ डन, ओके। और किसी को कोई कहाँ पे दिक्कत आई है तो पूछ सकता है वो, नहीं तो ठीक है आज के लिए इतना ही करते हैं, कल नेक्स्ट होगा, संडे को मैं क्लास लूंगा आपकी 2 to 2.5 hours की, जिसमें से हम मैक्सिमम फिनिश कर देंगे कोर्स को, ठीक है, तो कल क्लास होगी आपकी, और थैंक यू मनाली, तो मैं मीटिंग ऑफ कर रहा हूँ।
ये लिख लिया सबने? डन, बाय बाय।